सचिव जी, लेखपाल चंद्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कलमबंद हड़ताल पर जा रहा है और उस विषय में मैं लेखपाल चंद के अध्यक्ष से कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। जैसे कि लेखपाल वर्ग वेतन भत्ता आदि को लेकर के कर्मिक अनशन पर कभी रहा है कई बार इसे उस विषय में आप क्या करेंगे? अनशन जो है बराबर जारी है। हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने इस पर काफ़ी आंदोलन किया है और माननीय मुख्यमंत्री को मौका देकर के उससे राय वसूला किया। मुख्यमंत्री महोदय नहीं माने। शासन स्तर पर मेरी मांगे लंबित हैं, जब तक पूरा नहीं दे देते हैं, मांग नहीं दे देते हैं या शासन आदेश जारी नहीं करते हैं, तब तक हमारे लोगों का मन जारी रहेगा। दूसरा प्रश्न, छह मांगे आपकी क्या क्या? छह मांगे हैं। सबसे पहले लैपटॉप, क्योंकि आज आप सरकार चाहती है लेकिन सुविधा मुहैया नहीं कराई है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं शासन प्रशासन से वो लैपटॉप अपना उपलब्ध कराए, तभी हम लोग अपना। और उसके बाद 6 मई से लेकर आपने शासन को दो बार नोटिस दिया, क्या आप बता सकते हैं क्या डिमांड? हमारी यही डिमांड है कि हमारी जो पुरानी लंबित मांगे हैं और वो पूरी की जाए। शासन स्तर पर लंबित है, पर्षद से मंजूरी हो गई है, स्वीकृति हो गई है, शासन स्तर पर लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज से जो आप लोग कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं, इससे आम जनमानस पर जो असर पड़ेगा उसके विषय में आप क्या? आम जनमानस से मेरा निवेदन है, हमारे बंधुओं से आपसे भी निवेदन है और बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि हमारे इस हड़ताल को सफल बनाएं। इन्हीं के काम के लिए हम लोग हड़ताल किए हैं, लैपटॉप की मांग कर रहे हैं, अन्य सुविधाएँ मांग कर रहे हैं, ये दे दें, जनमानस मेरा सहयोग करें, हम उसका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। सुविधा क्या शासन में आपकी बात चल रही है? अगर बात चल रही है हमारे स्तर से मांग पत्र गया हमारे मुख्यमंत्री को आल यूपी के हर स्तर से। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बाबत सबसे मतलब में मीटिंग बुलाए थे, कह रहे हैं कि हम मांग नहीं मानेंगे। मेरा पूर्ण नियोजित कार्यक्रम है, उसके तहत मैं अपना प्रदर्शन कर रहा हूँ, अपेक्षा करता हूँ शासन स्तर से मेरी मांग होगी। सपोज करें नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संत प्रवृत्ति हैं, अवश्य मेरी दर्द सुनेंगे और मेरी मांग पूरी करेंगे। मुझे थैंक यू, धन्यवाद। मैं भानु मिश्रा, स्टेट हेड न्यूज डिजन, कैमरामैन राकेश उपाध्याय के साथ लगुआ सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।